हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपके साथ न्यूज शेयर करनी है। न्यूज मेरे लिए अच्छी नहीं है, बट आपके लिए एक्सपीरियंस हो सकता है। और बात यह है कि आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बहुत एक्साइटेड था इस चीज को लेके कि मेरी फैमिली का जो कनाडा स्पाउस वीजा वाली एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है। तो एप्लीकेशन तो अप्रूव हो गई, और मैंने उस समय आपको ये भी बताया था कि हम लोग का वीजा जो पासपोर्ट है, मतलब वीजा स्टैंपिंग के लिए भेजेंगे तो उसके साथ में एक OPR भी मिलता है, तो उसको भेजने का जो था तो वो उसके रिजल्ट आ गए। मतलब रिजल्ट क्या, पासपोर्ट दोबारा आ गया, बट पासपोर्ट में स्टैंप नहीं लगी। मतलब जो वीज़ा लगाते हैं वन टाइम का, तो वो वीज़ा नहीं लग गया। मतलब हमारे जो पासपोर्ट है अनस्टैम्प्ड वापस आ गए, और उन्होंने उसके साथ एक रीसबमिशन लेटर दिया है। तो मतलब यार काफ़ी मतलब एक अजीब सी फीलिंग है, दुख भी हो रहा है कि यार ये जो केसेस होते हैं, मतलब कुछ ही लोगों के साथ होते हैं और उनमें से हम भी एक हैं। एक तो सही है कि आप लोगों को थोड़ा इसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और मैं थोड़ी टिप्स भी शेयर कर दूंगा कि भाई क्या आपको देखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सारी बातें करेंगे बाद में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यार क्या हुआ हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कितना टाइम लगा पासपोर्ट को वापस आने में। जब हमने भेजा था न्यू दिल्ली, जो वैसे VFS में जाता है सारी प्रोसेस, VFS वाले ही पासपोर्ट आपका कलेक्ट करते हैं और वही उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो आपका पासपोर्ट वापस कर दे, तो उस चीज़ के वो सारे पैसे लेते हैं। और दो जनों के हमारे लगे थे अराउंड 3400 Indian rupees। तो जब हमने पासपोर्ट भेजा और पासपोर्ट आने तक टोटल जो हमारा टाइम लगा वो 24-25 डेज लगे। और उसी बीच में जब अप्रूवल आ गया था तो मैंने फ़्लाइट के टिकट्स बुक करा ली कि भाई अब तो सब कुछ हो ही गया है तो फ़्लाइट के टिकट्स बुक करा लेते हैं। तो फ़्लाइट्स के टिकट मैंने 2 महीने के बाद के बुक करा लिए। बट अभी जब पासपोर्ट हमारा वापस आया तो उसमें जो उनका रीसबमिशन लेटर आया, जब मतलब जब खोल के देखते हैं ना एक्साइटमेंट में कि आओ आओ भाई हमारा वीज़ा आ गया, और जब हमने खोला तो भाई कुछ भी नहीं, घंटा तो उसमें निकला रीसबमिशन लेटर। और फिर तो मतलब काफ़ी घंटे तो समझ में नहीं आया ये क्या हो गया कि यार, फिर दोबारा लेटर पढ़े। अभी आपको मैं दिखाऊँगा लेटर क्या है और उसमें क्या क्या लिखा है, अपनी वाइफ का भी दिखाऊँगा, बेटे का भी दिखाऊँगा। तो उसमें यही लिखा था कि भाई आपके जो फ़ोटो हैं वो सबमिटेड नहीं है। तो पहले तो मुझे स्टार्टिंग में लगा यार फ़ोटो सबमिटेड नहीं है, और उन्होंने जब वो जो पैकेज था वो हमें वापस भेजा तो उसमें मेरी वाइफ की फ़ोटो थी और मेरी बेटे की फ़ोटो नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे बेटे की फ़ोटो ना VFS वाले या कैनेडा एम्बेसी वालों ने कहीं खो दी, और अब इन्हें लेटर में लिख दिया कि भैया हमारे को तुम्हारी फ़ोटो नहीं मिली और इसलिए हमने वापस भेज दी तुम्हारी एप्लीकेशन। उस समय ऐसा हो जाता ना, मतलब तुम अच्छे से पढ़ भी नहीं रहे हो वो रिसबमिशन में क्या लिखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई फ़ोटो तो खो गई। बट मैंने एक दो लोगों को दिखाया, अभी अपने भाई को दिखाया और कुछ लोगों से पूछा, और दोबारा उस लेटर को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यू हैव नॉट सबमिटेड द फोटो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। तो मेरी वाइफ के रिसबमिशन लेटर में लिखा था कि योर डिपेंडेंट कामिन बहुगना, तो उनका फोटो नहीं है। काविन के उसमें लिखा था मेरे बेटे के उसमें कि आपने सबमिट नहीं करी है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। तो ये बात हो गई कि ये जो 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 लिखा था और 24-25 दिन लगे आने में। तो उसके बाद फिर हमने, मतलब मैंने उस समय पहले तो मैंने वो फोटो नहीं देखी थी अपने बेटे की जो सबमिट हुई थी, तो फिर मैंने बाद में फ़ोटो देखी तो मुझे लग गया कि हाँ भाई ये फ़ोटो देख के कि नहीं उन्होंने मतलब जेन्युइनली रिजेक्ट किया है, और जनरली हमारी जो वो फ़ोटो थी मेरी बेटी की वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा मतलब दूर थी और थोड़ी धुंधली थी, क्योंकि उनका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको फ़ोटो सबमिट करनी पड़ती है। तो भाई अब प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्लाइट है, अब वो विद इन 1 मंथ के बीच में फ़्लाइट है, और जो वीज़ा जो टोटल टाइम लग रहा है वो 24-25 दिन लग रहे हैं। तो मतलब बहुत टाइट डेडलाइन थी हमारे लिए। और फिर मैंने यार फ़्लाइट वालों से भी बात करने की कोशिश की भाई कैसे हम फ़्लाइट आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने पता करने की कोशिश करी वो सारा, और पॉलिश एयरलाइंस है तो उनका सपोर्ट जो है वो भाई वहीं बैठते हैं वो लोग अपनी कंट्री में, और बहुत ही देर में उनका फ़ोन मिलता है तो वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद फिर हमने फ़ोटो खिंचवाई अपने बेटे की, और अपनी वाइफ की भी मैंने फ़ोटो खिंचवाई, मतलब उन्होंने ही सब किया, मैं तो कैनेडा में हूँ। तो जब फ़ोटो वोटो खींची फिर मैंने देखा और मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर दोबारा मैंने उनको भेजा कि फ़ोटो खिंचवाओ। मतलब यकीन नहीं मानोगे आप, जितने भी हमारे वहाँ के जो फेमस फ़ोटोग्राफ़र्स हैं उनके वहाँ फ़ोटो
हमने सब जगह खिंचवाई, दोबारा खिंचवाई, एक जगह प्रिंट लेके डिजिटल कॉपी लेके किसी और के वहाँ निकलवाई, मैट में निक मैट ही जो वो जिसका पेपर होता है ग्लॉसी होता है सब मैं निकाली, और अराउंड 2,000 इंडियन रुपीज़ से ज़्यादा हमने उसके बाद हमने फ़ोटो में ही खर्च करे। और जब तक का मतलब फुली सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हाँ ये जो फ़ोटो अब है ये बिल्कुल सही है, उसके बाद ही फिर हमने जो अपनी एप्लीकेशन है वो दोबारा भेजी। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या रिसबमिशन लेटर था और उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, तो आप खुद ही देख लेना कि कैसा होता है रिसबमिशन लेटर। तो ये रहा मेरी वाइफ का रिसबमिशन लेटर, और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने फोटोग्राफ्स में चेक लगाया हुआ है जो क्रॉस किया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा योर फैमिली मेम्बर काविन बहुना फेल टू सबमिट फोटोग्राफ एज स्टेटेड इन आवर इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली मस्ट बी रिसीव्ड इन ऑर्डर फॉर योर वीजाज टू बी इशूड। तो दोनों फैमिली मेम्बर के जो डॉक्यूमेंट है पूरे होने चाहिए तभी ये दोनों एक संग वीज़ा लगाते हैं पासपोर्ट में। तो ये मेरे बेटे का रिसबमिशन रिक्वायर्ड लेटर, जैसा आप इसमें देख सकते हैं थोड़ा जूम करता हूँ तो फोटोग्राफ्स में इन्होंने यहाँ पर फिर से क्रॉस लगाया, मतलब ये चीज़ वैलिड है, और फिर लिखा है यू फेल टू सबमिट फोटोग्राफ्स एज स्टेटेड इन आवर इंस्ट्रक्शन। तो साफ साफ लिखा है कि तुमने एज़ पर आवर इंस्ट्रक्शन फ़ोटो सबमिट नहीं करी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यू मस्ट इंक्लूड अ कॉपी ऑफ दिस लेटर इन योर रिसबमिशन, क्योंकि जो आपका PPR ईमेल होती है उसके बाद आपको विदिन 30 डेज अपना पासपोर्ट सबमिट करना होता है, और अगर ये आपके पास ऐसा लेटर कुछ आ गया तो ऑलरेडी आपके 30 दिन तो निकल चुके होंगे। तो ये जब आप दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करें तो ये जो रिसबमिशन रिक्वायर्ड लेटर है इसे सबसे ऊपर रखें। तो चलिए अब थोड़ी टिप्स की बात कर लेते हैं, क्या आपको किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही फ़ोटो खिंचवाइए, वो देखते हैं कि भाई फेस सेंटर होना चाहिए और ऊपर से इतनी हाइट होनी चाहिए, तो वो जैसे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वैसी फ़ोटो खिंचवाइए। और स्पेशली जो आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे भी आपके संग जा रहे हैं कनाडा, तो उनकी उनके एक्सप्रेशन नॉर्मल होने चाहिए उनके भी, और ये देखिए कि जैसे उन लोगों ने फ़ोटो मांगी है उनका फेस भी, मतलब जो फेस की हाइट होती है उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। और बच्चों की फ़ोटो में खासकर एप्लीकेशन जो है, मतलब जो पासपोर्ट होता है वो वापस हो जाता है, जैसे हमारे केस में हुआ है अभी। और प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि जो आपकी फ़ोटो है, आपके बच्चे की फ़ोटो है, बिल्कुल क्लियर हो, नेचुरल एक्सप्रेशन हो, वो सब देख लेना। और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो ना फोटोशॉप में फ़ोटो एडिट कर देते हैं और पीछे फिर बैकग्राउंड को वाइट कर देते हैं, वो मत करवाना, उनसे कहना भाई पीछे जो है वाइट बैकग्राउंड लगाओ और उसी में फ़ोटो खींचो, क्योंकि जो लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो फ़ोटो आपकी कट करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि जो अगर आपके हेयर्स उन्होंने कट करने की कोशिश करी तो आपके हेयर्स जो हैं वो अजीब से दिखेंगे, और फिर जो वीज़ा ऑफिसर जो जो स्टैम्प मतलब जो आपको वीज़ा इशू करता है तो उन्हें साफ पता चल जाता है कि भाई ये फ़ोटो एडिटेड है और इन्होंने जो फ़ोटो बैकग्राउंड वगैरह रिप्लेस किया हुआ है। और लास्ट जो टिप है मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आपकी फ़ोटो जैसे आप खींच रहे हैं, जो पहले मैं बताया कि फ़ोटोशॉप में उसको फ़ोटो कट करके बैकग्राउंड एडिट कर देते हैं, तो वो तो है ही है, साथ में आपका जो फेस है मेक श्योर करिए कि फेस में कुछ एडिशनल वाइट ना कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल नेचुरल जो आपकी स्किन है वैसी आपकी फ़ोटो भी आनी चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है सभी के लिए तो नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए ही है, बट कुछ ना कुछ आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ कर लो, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। वीडियो अगर आप लाइक करोगे तो जहां तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिन जिन लोगों तक, तो वहां तक पहुंच जाएगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के संग, टिल देन बाय।